विद्यार्थी मित्रों, एसपी के अंदर चैप्टर नंबर 1 बैंक से संबंधित पत्र व्यवहार के अंदर आज अपने सीखने वाले हैं कि बैंक से संबंधित पत्रों को कैसे लिखा जाए। विद्यार्थी मित्रों, खास ध्यान रखो कि एग्जाम के अंदर आपको 5 नंबर के अंदर कंपलसरी एक बैंक से संबंधित पत्र पूछा जाने वाला है। पत्र जब भी लिखो तो पत्र का जो फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को व्यवस्थित आपको ध्यान में रखना है। पत्र के फॉर्मेट में आने वाली सभी चीज़ों का यदि आप पत्र के अंदर उल्लेख करते हो तो आप 5 में से 5 इजीली प्राप्त कर सकते हो। तो विद्यार्थी मित्रों, पत्र लिखते समय कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो खास ध्यान वो आपको आज समझाएंगे। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका जो पत्र है, इस पत्र की दो जो साइड है, ये जो है साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो साइड है वो राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले आता है पत्र लिखने वाले का एड्रेस। तो सबसे पहले अपने उसका लिखते हैं नाम। तो नाम यहाँ पे लिखना है। नाम यदि किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो आप एड्रेस के ऊपर ही लिखेंगे। मानो कि किसी दुकान या फर्म का नाम हो तो आप मिडल पेपर के मिडल के अंदर यानी बीच में लिखेंगे। तो यहाँ अपना दुकान का नाम या फर्म का नाम होगा और उसके बाद यहाँ से क्या है, एड्रेस स्टार्ट होगा। परंतु यदि व्यक्ति का नाम दिया है, जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोई भी पत्र पूछा गया हो तो उसके अंदर व्यक्ति का नाम का उल्लेख किया हो तब तो आपको उसके व्यक्ति का नाम वही लिखना है। यदि उल्लेख न हो तो आप अपने हिसाब से व्यक्ति का नाम लिख सकते हो। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा है मनोज आर यादव, राइट है। जहाँ आपने मनोज लिखा है उसी के नीचे से आपको एड्रेस स्टार्ट करना है। ये खास चीज़ें ध्यान रखनी है कि सभी एक दूसरे के नीचे ही चीज़ें सभी आनी चाहिए, ओके। तो आपको क्या करना है, जो आपका पेपर है उस पेपर का दो भाग पार देना है। तो यहाँ पहला जो भाग है वो अपना एड्रेस हो, दूसरा जो भाग है वो सामने वाले का एड्रेस का है। तो यहाँ अपना एड्रेस स्टार्ट होगा 24, मकान नंबर सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सोसाइटी या फ्लैट का नाम, तो 24 अक्सर फ्लैट, ओके। और उसके बाद एरिया का नाम निकोल, और उसके बाद सिटी अहमदाबाद, और पिन नंबर आपको लिखना है, राइट है। पिन नंबर जो है रेंडमली आप कुछ भी लिख सकते हो, पर ये खास ध्यान रखने का कि पिन नंबर 6 डिजिट का होता है। जहाँ आपका एड्रेस पूरा होता है उस एड्रेस के नीचे एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखनी है, तारीख लिखनी है। अब तारीख लिखते समय भी खास ध्यान रखना है, अपने को रेंडमली कोई तारीख लिखनी नहीं है, पर यहाँ ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने तारीख लिखेंगे, उसके बाद महीना आएगा, महीने के बाद अपने क्या लिखेंगे, साल। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि कौन सी तारीख है 19, महीना कौन सा है जुलाई, और वर्ष कौन सा है 2020, क्लियर, ओके। एड्रेस जो लिखा है अपना उसके एक लाइन छोड़कर उसे नीचे, यहाँ पे भी खास ध्यान रखना है कि स्पेस उसके नीचे ही आना चाहिए। जहाँ आपकी तारीख खत्म होती है उस तारीख से नीचे की लाइन से यहाँ आपको स्टार्ट करना है। अब विद्यार्थी मित्रों, आपको खास ध्यान रखना है कि बैंक के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट किसकी होती है, तो मैनेजर की होती है या ब्रांच मैनेजर जो होता है, राइट है। अब जब भी अपने पत्र लिखते हैं तो हमेशा जो उच्च पद पे होता है उसको संबोधन करके अपने पत्र को लिखा जाता है। तो यहाँ बैंक में सबसे बड़ा कौन है, मैनेजर श्री, यानी प्रत्येक आप जो भी बैंक से रिलेटेड को लेटर लिखते हो तो उसमें आपको मैनेजर श्री या श्री ब्रांच मैनेजर श्री लिखना है, ओके। तो यहाँ लिखा मैनेजर श्री, उसके बाद बैंक का नाम, यहाँ अपने पर्सन का नाम लिखते नहीं है क्योंकि लेटर अपने बैंक को लिख रहे हैं। तो यहाँ जैसे लिखा है मैंने पंजाब नेशनल बैंक, जो भी बैंक का नाम यदि आपको एग्जाम के अंदर दिया हो तो उसका नाम लिखना है, नहीं तो आप कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हो। उसके बाद एरिया, अब एरिया का भी खास ध्यान रखना है। विद्यार्थी मित्रों, जब भी आप लेटर लिखते हो तो मोस्ट ऑफ जो बैंक होती है वो जिस एरिया में व्यक्ति रहता है उस एरिया के आसपास की ही बैंक होती है, ओके। अन्य स्थान की लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ निकोल है तो निकोल के अंदर ही पंजाब नेशनल बैंक की जो ब्रांच है उसके अंदर वो लेटर लिख रहा है। यहाँ निकोल, यहाँ अहमदाबाद, और यहाँ पे वापस पिन नंबर, ओके। तो पहले नंबर पे किसका आया, अपना एड्रेस, दूसरे नंबर पे सामने वाले का एड्रेस यानी बैंक का एड्रेस, तीसरे नंबर पे जहाँ आपका एड्रेस खत्म होता है वहीं अपने क्या लिखते हैं, विषय, विषय यानी सब्जेक्ट, ओके। विषय जो है वो आपको हमेशा लेटर के अंदर विषय तो दिया ही होगा तभी आप लेटर लिखेंगे, तो विषय जहाँ तक बने शॉर्ट में लिखने की कोशिश करने की, ओके। विषय के बाद में यहाँ जो लेटर के नीचे एड्रेस जो लिखा है उसके नीचे लिखते हैं अपने सल्यूटेशन यानी संबोधन, श्रीमान या श्रीमती, ओके। तो यहाँ लिखा श्रीमान, उसके बाद आते हैं अपने पैराग्राफ। ये खास ध्यान रखो कि विद्यार्थी मित्रों, जब भी आप कोई भी पत्र लिखो बैंक से संबंधित तो मिनिमम आपको 3 पैराग्राफ को क्या करना है, लिखना है। फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो है ओपनिंग पैराग्राफ, दूसरा जो पैराग्राफ है वो मिडल पैराग्राफ है, और थर्ड जो पैराग्राफ है वो क्लोजिंग पैराग्राफ है,
ओके, ओपनिंग पैराग्राफ जो है उसमें आप अपने से रिलेटेड जानकारी दोगे, दूसरे जो पैराग्राफ है मिडल पैराग्राफ उसमें विस्तृत जानकारी आपको देनी है, और तीसरे पैराग्राफ के अंदर उसको आभार व्यक्त करती हुई लाइनें आपको लिखनी है। उसके बाद लिखेंगे अपने आभार, और उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी आपका विश्वसनीय। आपका विश्वसनीय लिखने के बाद अपने क्या करते हैं, जो व्यक्ति हो जिसने लेटर लिखा है, जैसे यहाँ पे लेटर किसने लिखा है, मनोज यार यादव, तो ये नाम दोनों सेम होने चाहिए। बहुत बार विद्यार्थी क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं, ऊपर नाम अलग लिखा हो नीचे नाम अलग लिख लेते हैं, तो आपका विश्वसनीय मनोज यार यादव और बीच में उनकी क्या करनी है, सिग्नेचर, रैंडमली कोई भी एक सिग्नेचर आपको कर लेनी है। क्लियर, राइट है। तो अपने देखे तो लेटर को जो भाग है तो उसको अपने नंबर वाइज अगर डिवाइडेड कर दे तो फर्स्ट नंबर पे आता है अपना एड्रेस, ये नंबर वन याद रखना है आपको, ओके। दूसरे नंबर पे जो आता है वो सामने वाली बैंक का नाम यानी सामने वाली पार्टी का नाम, बैंक का नाम। तीसरे नंबर पे क्या आता है, सब्जेक्ट, राइट। चौथे नंबर पे आता है अपना सैल्यूटेशन, श्रीमान या श्रीमती, ओके। पांचवे नंबर पे आते हैं अपना ओपनिंग पैराग्राफ, मिडल पैराग्राफ और क्लोजिंग पैराग्राफ। छठे नंबर पे आता है अपना आभार, ओके, व्यक्त करता हुआ। और सातवें नंबर पे आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी आपका विश्वसनीय। क्लियर। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों यहाँ खास ध्यान रखना है कि जहाँ अपना एड्रेस लिखते हैं उसके सामने वाले जगह पे अपने लिखते हैं फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल, ओके। तीनों कंपल से लिखना जरूरी नहीं है, आप फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, ईमेल भी लिखो तो भी बेस्ट है, ओके। तो जब भी आप लेटर लिखो तो इन सभी चीज़ों का आपका लेटर के अंदर समावेश होना बहुत ज़रूरी है। अपना एड्रेस, सामने वाले का एड्रेस, विषय, ओके, सैल्यूटेशन, ओपनिंग पैराग्राफ, मिडल पैराग्राफ, क्लोजिंग पैराग्राफ, आभार व्यक्त करता हुआ और आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी आपका विश्वसनीय लिखना है, ओके। इसी को एक लेटर के अंदर देखते हैं कि किस प्रकार चीज़ों को लिखा जाता है। तो यहाँ एक लेटर है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा है, अपना एड्रेस, तो JSB दुबे 17 प्रकाश सोसाइटी, वस्त्राल, अहमदाबाद। उसके बाद एक लाइन छोड़ के अपने तारीख लिखिए, लेटर के अंदर तारीख लिखना जरूरी है, निश्चित तारीख आपको लिखनी जरूरी है। उसके बाद लिखा है मैनेजर श्री या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वस्त्राल, अहमदाबाद। और यहाँ लिखा है शॉर्ट में विषय, विषय लिखने समय खास ध्यान रखना है कि यहाँ शॉर्ट में विषय लिखना है आपको, चेक की राशि के भुगतान को स्थगित करने के संबंध में। यदि विषय बड़ा हो जाए तो आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, उसके नीचे ही यहाँ तक, यहाँ से वापस स्टार्ट करना है। क्लियर। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखा श्रीमान। अब ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर आप हमेशा क्या लिखना है आपको, तो विद्यार्थी मित्रों आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी बैंक में अपने लेटर लिखते हैं तो बैंक में आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि बैंक में अपनी आइडेंटिटी है अपना अकाउंट नंबर, ओके। तो आपको मेंशन करना है कि कितने वर्षों से आपकी बैंक में आपका अकाउंट है और कौन से, किस प्रकार का अकाउंट है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, और एंड योर अकाउंट नंबर यानी आपका अकाउंट का नंबर कौन सा है। तो यहाँ लिखा है कि मैं गत 12 वर्षों से आपकी बैंक में बचत खाता नंबर, बचत खाता नंबर सेविंग बैंक अकाउंट है और उसका नंबर 10123245 का धारक हूँ। फिर आपको लिखना है कि मैं नियमित रूप से बैंक के इस अकाउंट का क्या कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ। तो ये ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर हमेशा आपको कितने वर्षों से आपकी बैंक में खाता है, किस प्रकार का खाता है और खाता नंबर क्या है, यह आपको दर्शाना बहुत जरूरी है, ओके। दूसरा जो पैराग्राफ है इसके अंदर अपने विस्तृत विषय से संबंधित क्या करेंगे, जानकारी देंगे। तो यहाँ चेक की राशि के भुगतान को स्थगित करना है, तो स्थगित करते समय आपको खास ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपने टेलीफोनिक पे बात किया है, बैंक मैनेजर से उनको जानकारी दे दी है, फिर आपको लिखना है कि किसके नाम का आपने चेक लिखा था। तो यहाँ देखे आपने लिखा है कि श्रीकांत जोशी के नाम का आपने चेक लिखा है, ओके। किस तारीख को चेक लिखा है वो भी मेंशन करना जरूरी है, यहाँ विस्तृत जानकारी आपको देनी है, और कितने रुपए का चेक था वो भी देना है, और किस रीज़न से आप चेक को स्थगित करना चाहते हो, तो यहाँ लिखा है कि उनका चेक क्या है, खो गया है, तो इसके कारण से वह क्या है, चेक को, चेक की राशि के भुगतान को स्थगित करना चाहते हैं। क्लियर। तो यहाँ जो मिडल पैराग्राफ है यहाँ पे 6 से 7 लाइन आपको विस्तृत रूप से जानकारी देनी है, ओके। विस्तृत रूप से जानकारी दो तो तारीख ध्यान रखना है, राशि ध्यान रखनी है, ओके, कारण या रीज़न आपको देना बहुत जरूरी है। थर्ड जो पैराग्राफ है क्लोजिंग पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे कि आप नीचे के इस संदर्भ में आप त्वरित कार्यवाही करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है, आभार व्यक्त करती हुई लाइन लिखनी है, आभार, उसके बाद आपका विश्वसनीय JSB दुबे, दोनों नाम सेम होना जरूरी है, ओके। तो विद्यार्थी मित्रों इस अगर आप इस प्रकार लेटर लिखते हो, लेटर के अंदर आने वाला जो लेटर का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को आप फॉलो करते हो और उसी के अनुसार लेटर लिखते हो, तो इजीली आप 5 में से 5 नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हो। होप सो कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।